अगर आप लाइफ में कभी रोना नहीं चाहते, कभी धोखा नहीं खाना चाहते, किसी कानूनी पचड़े में फंसना नहीं चाहते, हमेशा खुश रहना चाहते हो, टेंशन फ्री रहना चाहते हो, दूसरों की ही तरह मौज मस्ती करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपको कंप्लीट ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक वीडियो मेरी 100 वीडियोस के बराबर है। एक्चुअली ये वीडियो नहीं, पूरा समंदर है। ये एक वीडियो आपके हजारों सवालों का जवाब है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, नेगेटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी कुछ नया करते हैं तो हमारे मन में यही सोच होती है कि हम ये कर लेंगे। मेरा सवाल ये है, अगर आप फेल हो गए तो तब तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पास दूसरा प्लान भी हो। दूसरी बात, सबसे पहले अपना भला सोचना चाहिए, उसके बाद दुनिया का भला करने के बारे में सोचना चाहिए। माना आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप लोगों का भला करना चाहते हो, उनके दुखों को दूर करना चाहते हो, लेकिन आप ऐसा तभी कर पाओगे जब आप उस लायक बन जाओगे। इसलिए सबसे पहले खुद को काबिल बनाइए, उसके बाद ही आगे दूसरों के बारे में सोचना शुरू करिए। तीसरी बात, अगर आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं तो उसे तब तक पेमेंट ना करें जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है पहले पेमेंट कर देने पर वो आपका काम टाइम से ना करे, या फिर ये भी हो सकता है वो आपका काम करने से ही मना कर दे। ऐसे में आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ऐसी कंडीशन ना आए उसके लिए पहले आप अपना काम करवाइए, उसके बाद ही पैसा पे करिए। चौथी बात, किसी की चीज़ या किसी का पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना, वरना फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। मान लो किसी ने आपको कुछ पैसा या कोई कीमती चीज़ रखने के लिए दी और वो पैसा या वो चीज़ आपसे खो गई, तो ऐसे में आपको वो पैसा और वो चीज़ अपनी जेब से देनी होगी। ऐसी नौबत ही ना आए उसके लिए किसी का पैसा या कोई कीमती सामान अपने पास ना रखें। पांचवी बात, पैसा ही सब कुछ होता है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। मूवीज़ में, सीरियल्स में एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मेरे दोस्त, ये बात अपने दिल से निकाल दो। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपका सम्मान करेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आपको भर भर के प्यार मिलेगा, और अगर पैसा सब कुछ नहीं होता तो आज हर साइकिल वाला किसी अमीर घर का दामाद होता। इसलिए पैसा ही सब कुछ होता है। छठी बात, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो तो शक्ल सूरत से ज़्यादा उसकी सीरत पर ध्यान दो, पूरी लाइफ खुश रहोगे। एक अच्छा लाइफ पार्टनर वही हो सकता है जो आपके कहने से पहले आपके मन का दुख समझ जाए, आपके सुख में भले ही वो आपसे नाराज़ रहे लेकिन आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे। आपको ऐसा इंसान सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी सीरत अच्छी हो। यकीन मानो, आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हो जाओगे। सातवीं बात, दूसरों की हेल्प करिए, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। हर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आज आप किसी की हेल्प करेंगे तभी वो कल आपकी हेल्प करेगा। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक आपको लोगों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपके बुरे समय में वो आपकी हेल्प करें। आठवीं बात, पैसे के लेन देन में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चाहे आप किसी से पैसा ले रहे हैं, चाहे आप किसी को पैसा दे रहे हैं, इन दोनों ही कंडीशन में आपको होशियारी से काम लेना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है जिसने आपसे पैसा लिया है वो आपको पैसा देने से ही मना कर दे, इसलिए पैसे देने से पहले पेपर वर्क करा लें या कम से कम दो लोगों को गवाह बना लें कि हाँ, मैंने उसे पैसे दिए हैं। नौवीं बात, हर किसी को अपना सच्चा दोस्त मत समझा करो। जब तक हमारे अच्छे दिन चल रहे होते हैं तब तक हमें अपना कहने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे बुरे दिन शुरू होते हैं वैसे ही हमें अपना कहने वालों की संख्या घटती जाती है, और अंत में एक या दो ही लोग बचते हैं जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके अच्छे समय के साथ साथ आपके बुरे समय में भी आपका साथ दिया है। इसलिए अपने सच्चे दोस्तों की पहचान ज़रूर कर लें। दसवीं बात, गुस्से में आकर कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे आप कभी भी कर ही नहीं सकते। जब हमारा पारा सातवें आसमान पर होता है तो हम इतनी बड़ी बड़ी बात बोल जाते हैं जो हम कभी भी पूरी नहीं कर सकते। ऐसे में चार लोगों के बीच में आपका ही तमाशा बनकर रह जाता है। इसलिए गुस्से में कभी भी किसी को ऐसी बात ना कहें जो पॉसिबल ही ना हो। ग्यारहवीं बात, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ये एक ऐसा मंत्र है जो आपको कभी असफल नहीं होने देगा, अगर आप इस मंत्र का जाप करते रहते हो तो। मेरे दोस्त, अगर आप अपनी और दूसरों की गलतियों से सीख लेते हो तो आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बारहवीं बात, सर पैर वाली बातें करें, यानी कि लॉजिकल बात करें, फेकूचंद ना बनें। आजकल हर 10 में से 8 बंदे फेकूचंद होते हैं, उनकी बातों का ना तो सर होता है ना पैर। अगर आपके अंदर भी ऐसी आदत है तो अपनी इस आदत को बदल लें और हमेशा लॉजिकल बात ही करें, वरना लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे।
तेरहवीं बात, थोड़े से पैसे बचाने के लिए कभी भी झोल झाल वाली चीज़ें ना खरीदें, नहीं तो आपके पैसे बचने की जगह बर्बाद हो सकते हैं। झोल झाल वाली चीज़ें हमें काफ़ी कम दाम पर मिल जाती हैं, लेकिन वही चीज़ हमें किसी बड़े मैटर में फंसा सकती है। इसलिए थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ दांव पर ना लगाएं और झोल झाल के कामों से दूर रहें। चौदहवीं बात, ऐसी कोई भी नशीली चीज़ का सेवन ना करें जिसे करने के बाद आपको होश ना हो। वैसे तो हमें किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा हमारे शरीर को वक्त से पहले ही बेकार कर देता है। और अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हैं तो अपनी ये आदत बदल लीजिए, वरना एक दिन आपको बहुत पछतावा होगा। पंद्रहवीं बात, हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि इस दुनिया में आपके कर्म ही ये तय करते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिएंगे या बुरा। आपने देखा होगा बहुत से लोग धोखाधड़ी करके, दूसरों का हक मार के, गरीब लोगों को उल्लू बना के बहुत सारे पैसे कमाते हैं, फिर भी वो हमेशा दुखी ही रहते हैं, क्योंकि इंसान के अच्छे और बुरे कर्म ही ये तय करते हैं कि उसकी लाइफ में खुशियाँ होंगी या दुख होंगे। सोलहवीं बात, अगर आप कोई सेकेंड हैंड चीज़ खरीद रहे हैं तो उसका बिल या उस चीज़ से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक कर लें। देखो यार, ज़माना कितना शरीफ है ये तो आप सभी को पता है, इसलिए अगर आप कोई पुरानी चीज़ बाय कर रहे हैं तो उस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक कर लें, तभी उस चीज़ को बाय करें। अगर उस चीज़ के पेपर्स नहीं हैं तो उस चीज़ को बाय ना करें। सत्रहवीं बात, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप किसी मिलेनियर से पैसा और टाइम, इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ मांगोगे तो वो आपको अपना टाइम देने की बजाय आपको पैसा देना ज़्यादा सस्ता समझेगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू क्या होती है ये उन्हें अच्छे तरीके से पता होता है। इसलिए मेरे दोस्त, अपने कीमती समय को ऐसे ही वेस्ट मत करो, वरना एक दिन ये आपको ही बर्बाद कर देगा। अठारहवीं बात, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाइए, क्योंकि आज के टाइम में वही सफल है जो खुद को जमाने के हिसाब से बदलने की काबिलियत रखता है। जिस रफ्तार से ये दुनिया बदल रही है, आपको भी उसी रफ्तार से बदलना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो बदला नहीं वो मिटा है। इसलिए अपने आप को जमाने के हिसाब से बदलते रहिए। 19वीं बात है, ओवरकम योर फियर। सबसे पहले तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर जरूर होता है, बस हम ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और इसी वजह से हमारा डर दूर नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले अपने डर को एक्सेप्ट करें, उसके बाद उसे दूर भगाएं। 20वीं बात है, खुद को ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी मजबूत बनाइए। जब तक आपका मन मजबूत नहीं होगा, आप कितनी ही दमदार बॉडी बना लो, आप अपने गोल्स में कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, खुद को ऊपर से मजबूत बनाने के साथ साथ खुद को अंदर से भी मजबूत बनाइए। 21वीं बात, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसी सोच अपने दिमाग से निकाल फेंको। आपकी यही सोच आपको बड़ा बनने से रोक रही है, आपकी यही सोच आपके सपनों को पूरा होने से रोक रही है, आपकी यही सोच आपको कुछ नया सीखने से रोक रही है। मेरे दोस्त, अपनी इस सोच को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बदल लो। 22वीं बात, अपने दोस्तों को भले ही एक बार भूल जाओ, लेकिन उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने आपको धोखा दिया है। आप बिच्छू को कितना ही प्यार दुलार कर लो, लेकिन वो आपको डंक जरूर मारेगा, क्योंकि ये उसकी फितरत है। सेम ऐसे ही धोखेबाज लोग होते हैं जो अपनी आदत से बाज नहीं आते। जिसने एक बार आपको धोखा दिया है वो दोबारा भी दे सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। 23वीं बात है, अपने माता पिता की सुने। हमारे माता पिता वो गुरु हैं जो हमें अपनी आखिरी सांस तक अच्छा ज्ञान ही देते हैं, इसलिए हमें अपने माता पिता की बात कभी नहीं टालनी चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए। 24वीं बात है, बीता हुआ कल वापस नहीं आता, इसलिए बीते हुए कल के बारे में सोच सोच कर अपना आज खराब ना करें। भले ही पास्ट में आपने कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना की हो, लेकिन उस गलती के बारे में अपने प्रेजेंट में नहीं सोचना चाहिए, वरना आपका फ्यूचर भी खराब हो सकता है। इसलिए आपके पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में कभी ना सोचे। 25वीं बात, हमेशा उन लोगों से राय लो जो लोग सफल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। हम अक्सर गलती ये करते हैं, हम उन सभी लोगों से राय लेने लगते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी खड़ा नहीं होता। ऐसे लोग हमें उल्टी सीधी राय देकर कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए हमेशा उन्हीं लोगों से राय लेनी चाहिए जो सफल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। 26वीं बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी को भी अपने मान सम्मान के साथ खेलने का मौका मत देना, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।